सुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। अस्सलाम वालेकुम, मेरे वालों सारे नु गुड मॉर्निंग। मैनु उम्मीद है भी तुसी खैरियत नाल होंगे, ते अपनी जिंदगी नु हंसी खुशी गुजार रहे होंगे। ते मैं दुआ गुआ कि अल्लाह ताला तुहाडी जिंदगी च हमेशा खुशियां दे रंग भरदा रहे। आने वाली मुसीबत बलावा तो कोई भी मुसीबत है, बीमारी है, उन्दे तो महफूज रखे। आमीन। तुसी सुन रहे हो तुहाडा अपना फेवरेट चैनल द लेजेंड वॉइस, ते मैं मुहम्मद अवैस। सुनाओ दोस्तों, किवें गुजरदी पई आ जिंदगी अज दे इस जदीद दौर विच, किन्ने मसाइल हो गया ते किन्नियां परेशानियां। खुशी दे मौके बहुत घट मिल रहा। अजकल लोग गेमां खेल के ते व्हाट्सएप फेसबुक चला के अपनी तस्कीन दा समान करदे आ, ते ए बड़ी अजीब गल के कुदरत दे इन्ने वसाइल मवाके आ, उन्दे उतो तुसी फायदा नहीं उठा रहे, ते ओहो एक मशीनी दौर आ गया है। मैं पिछले दिना विच एमए राहत दी किताब पढ़ रहा सी, सदियों दा बेटा। असल वो किताब उर्दू विच है, ते मैं उन्दा ना उर्दू च ही लाऊंगा, सदियों का बेटा। इस किताब विच उन्हें बड़ी ही फिक्शनल स्टोरी बनाई आ, लेकिन है हकीकत पसंदाना। ते ओ किताब मैं पढ़ के मैनु यही सबक हासिल होया कि जेड़ा है ना वक्त, वक्त वो किसी दा नहीं, ते इंसानियत वो अपने अजीम मकसद तो हट जांदी आ, ते ऐसे मकासद नू अपना लेंदी आ जिन्हां दी कोई हकीकत नहीं हुंदी। इस किताब विच एमए राहत माजी हाल ते इंसान दा मुस्तकबिल दसदा है भी वक्त जेड़ा है उन्दा की किरदार आ हालात नूं बदलन दे विच। आपां बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लैने आ भी आपां असी इंज करांगे, इंज हालात होणगे ते इंज करांगे। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी दे विच, यूनिवर्सिटीज दे विच पढ़ाया जांदा है, थ्योरियां पढ़ाया जांदियां ने, लेकिन जिंदगी ऐसी चीज आ जिंदा फलसफा आज तक किसे नु समझ ना आया। एक मुश्किल चीज आ, ते बंदा उदो ही कामयाब हो सकता है जदो जिंदगी दा फलसफा समझ जावे, ते जिंदगी दा मकसद भी समझ जावे। लोकी अजकल सिर्फ मफाद परस्ती ते दौलत परस्ती दे मगर लगे हुए आ, हर किसी नु अपना मफाद नजर आ रहा। हालांकि इंसान नु दर्द दिल वास्ते पैदा किया अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला ने इंसान दी जबिलत विच एहसास ते शऊर रखिया, लेकिन किया इंसान अपनी असल नु भूल गया है, ते ऐसे चीजां ऐसे काम
उन्हें इख्तियार कर लेते ने जेड़ी उनकी असल नू जायल कर रहे खत्म कर रहे। लेकिन इंसान चाहिदा है भी वह पहचाने जिवें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद विच भी कहा ते मुख्तलिफ जेड़े फलसफी आ फिलोसफर आ उन्होंने भी इस चीज ते जोर दिता है भी इंसान पहचानना चाहिदा अपने आप ते अपना मकसद जड़ा है वो भूलना नहीं चाहिदा। ते मैं चंद करना करनिया सी मेरा दिल कीता कि मैं शेयर करा ते मैनू उम्मीद आ भी मेरिया गल्लां तुहानू पसंद आईया होणगियां ते अपने जिंदगी नू ऐसे मकसद ले गुजारो जेड़ा उंदा हकीकी मकसद आ। ठीक आ दोस्तों मेरे वालों सारे नू अल्लाह हाफिज अपने फैमिली महल्ले आले ते अपने अजीजां दा ख्याल रखना ते मैनू दुआवां च याद रखना। अस्सलामु अलैकुम।